सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी संस्कृत अध्यापिका ज्योति शर्मा। हमने इससे पहले जो चैप्टर वन पढ़ा था सुभाषितानि, अच्छे अच्छे वचन पढ़े थे हमने, मनुस्मृति से, नीति शतकम से आदि से हमने लिए थे। अब देखिए, हमारा जो द्वितीय पाठ है वो है विलश्य वाणी न कदापि मे श्रुतः। बहुत ही जिसे कहते हैं आनंद देने वाला जो पाठ है, और किस प्रकार से हम लोग जो है हमें समझदारी रखनी चाहिए, क्योंकि वर्तमान समय में इतना कुछ हो रहा है कि अगर हम समझदार नहीं रहेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। तो यहाँ पर वही बात है कि विलश्य, बिल की जो गुफा होती है उसकी आवाज मैंने कभी भी नहीं सुनी है। चैप्टर का हिंदी अर्थ क्या होता है, विलश्य वाणी न कदापि मे श्रुता, कि गुफा से या फिर जो बिल से आवाज होती है वो मैंने कभी भी नहीं सुनी है। तो कौन कह रहा है, क्यों कह रहा है, तो हम आगे पढ़ेंगे इस बात को। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा चैप्टर के बारे में पढ़ लेते हैं कि क्या बताना चाह रहे हैं। तो देखो, प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्रम के तृतीय तंत्र काकोलिकियम से संकलित है। तो आपको याद रखना है कि ये जो चैप्टर है वो किससे लिया गया है, काकोलिकियम से लिया गया है। जो पंचतंत्र, यहाँ पर एक नाम आ रहा है पंचतंत्र, तो आप लोगों को मैं बता देती हूँ कि पंचतंत्र का मतलब यह है कि जिसमें जंगल से संबंधित जो कहानियां होती हैं, जो जानवरों से संबंधित जो कहानियां आती हैं, वो कहानियां आती है। जैसे आपने बेताल पच्चीसी टीवी पर देखा होगा, बेताल पच्चीसी में भी ऐसा ही होता है कि वो जंगल में निकलते हैं, बात करते हैं। तो इस तरीके की जो कहानियां होती हैं, जैसे शेर खरगोश की कहानी हो गई, कौवे की हो गई, तो जंगल से रिलेटेड जो कहानियां होती है वो पंचतंत्र की कहानियों में आती है। और पंचतंत्र के जो मूल लेखक हैं वो विष्णु शर्मा हैं। तो इस बात को भी आप अपने जहन में बिठा लीजिए कि पंचतंत्र के जो मूल लेखक होते हैं वो विष्णु शर्मा ही होते हैं, अर्थात विष्णु शर्मा के द्वारा ही पंचतंत्र की जो कहानियां कथाएं लिखी जाती है। इसमें पांच खंड है जिन्हें तंत्र कहा गया है। इनमें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई है जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी है। तो समझ में आ गया कि पंचतंत्र क्या है, जिसमें कि पशु पक्षी जंगली जानवरों से रिलेटेड जो स्टोरीज होती हैं। ओके, तो चलिए अब शुरू करें चैप्टर को। कश्मिस्थ वने खरन खर नाम सिंह है प्रति वस्ती स्म। किसी वन में खरन खर नाम का शेर रहता था। सह कदाचित इतस्ततः परिभ्रमन क्षुद्रातः न किंचित अपि आहारम प्राप्तवान। इस पाठ के अंदर बहुत सारे अव्यय और बहुत सारे प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है। हम अव्यय का अभ्यास करेंगे ताकि आप चैप्टर को आसानी से और आसानी से पढ़ सकेंगे। तो यहाँ पर बताया गया कि कश्मिस्थ वने खरन खर नाम सिंह प्रतिवस्ती स्म। किसी वन में खरन खर नाम का शेर रहता था। सह कदाचित इतस्तत परिभ्रमण, वह कभी इधर उधर, इतस्तत मतलब इधर उधर घूमने के लिए, परिभ्रमण घूमने के लिए, क्षुधार्थ न किंचित अपि आहारम प्राप्तवान, कि वह इधर उधर घूमता रहा फिर भी उसे क्षुधार्थ, क्षुध माने भूख, क्षुधार्थ माने भूख, भूख के मतलब अपनी भूख को शांत करने के लिए किंचित अपि कुछ भी आहारम प्राप्तवान, आहार प्राप्त नहीं हुआ। समझ में आया कि किसी वन में खरन खर नाम का शेर रहता था और वह खाने के लिए मतलब अपनी भूख को मिटाने के लिए इधर इधर घूम रहा था, परंतु उसे कुछ भी आहार या भोजन जो है वो प्राप्त नहीं हुआ। ततः सूर्यास्त समय एकाम महतीम गुहा दृष्टा। उसके बाद में क्या हुआ, सूर्य अस्त समय, जब सूर्य अस्त होने का समय हुआ तो उसे एकाम, एक महती, महती मतलब विशाल, बड़ी गुफा, गुहा मतलब गुफा, तो उसे एक बहुत बड़ी गुफा दृष्टवा दिखाई दी। सह अचिंत्यत, सह माने वह, अचिंत्यत चिंत धातु सोचने के अर्थ में आती है, वह सोचने लगा नूनम निश्चय ही एताशाम गुहायाम रात्रो को अपि जीवे आगच्छति। कहता है कि निश्चय ही इस गुफा में रात को भी जीव आते हैं। अब उसे ये बात पक्का हो गया कि मैं तो अपनी भूख अब यही शांत करने वाला हूँ,
तो कहता है कि निश्चय ही इस गुफा में रात को कोई भी जीव आते हैं, मतलब कोई ना कोई जरूर आता है। अतः अत्रैव निगुडो भूत्वा तिष्ठामि इति, इसलिए अत्रैव, अत्र प्लस एव संधि भी हो रही है यहाँ, इसलिए वह निगुडो छिप करके बैठ जाता हूं, मतलब यही छिप करके बैठ जाता हूं। एतस्मिन् अन्तरे गुहाया स्वामी दधि पुच्छे नामक कह श्रगाले समागच्छत है। एतस्मिन् इतनी देर के अंतरे बाद में, इसके बाद में गुहाया गुफा में जो गुफा का स्वामी दधि पुच्छे, जो गुफा का स्वामी दधि पुच्छ नाम का श्रगाले, श्रगाले मतलब शियार, श्रगाल वो होते हैं ना जो जंगल में ऊपर मुंह करके बोलते हैं वो वाले, तो दधि पुच्छ नाम का श्रगाले समागचत है, वहां पर आ गया, सम प्लस आगचत। स च यावत पश्यति, और चय माने और उसने यावत जैसे ही, यावत तावत जैसे तैसे है ना, तो और उसने जैसे ही पश्यति देखा, पश्यता तो देखने के अर्थ में, और जैसे उसने देखा वैसे ही सिंह पद पद्धति, कि शेर के पद माने पैर, पद्धति मतलब निशान, शेरों के, शेर के पैर के जो निशान है, चिन्ह जो है वो गुहायां प्रविष्टा दृश्यते, गुफा में प्रवेश करते दिखाई दिए। यहाँ पर दिख रहे हैं ना कि गुफा में प्रवेश कर रहा है और पैरों के निशान भी दिखाई दे रहे हैं, तो उसे दिखाई दिए। न च बहिर आगता, और न बाहर आते हुए, मतलब उसे सिंह के पैरों के निशान जो है वो गुफा में प्रवेश करते हुए तो दिखाई दिए, परंतु बाहर आते हुए दिखाई नहीं दिए। श्रगाले अचिंत्यत, अब श्रगाल क्या करने लगा, अचिंत्यत सोचने लगा, लंग लकार है यहाँ पे और चिंत धातु सोचने के अर्थ में आता है, तो श्रगाल सोचने लगा, अहो विनिष्टो अस्मि, अहो अरे विनिष्टो अस्मि, आज तो मेरा क्या होगा, विनाश होगा, मतलब मैं जाने वाला हूं। नूनम अस्मिन बिले सिंह स्थिति, कि निश्चय ही इस बिल में, बिल मतलब जो गुफा थी उसके अंदर बताया गया कि निश्चय ही इस बिल में शेर है। अस्थिति तर्कयामि, मतलब शेर है जो मुझे तर्क करेगा, मुझे क्या करना चाहिए, उससे तर्क करना चाहिए ताकि पता लग जाए। तत किम करवाणी, तो क्या करूं, एवं विचिंत्य, ऐसा सोच करके, सोचने लगा, और दूरस्थ, दूर से रवम करतु आरवदय, शोर करने लगा, मतलब बोलने लगा जोर से, भो बिल किम न स्मरसी, वो दूर से ही रवम करतु आरब्ध, शोर करने लगा, बोलने लगा, भो बिल, वो संबोधित करता है, बिल को संबोधित करता है, अरे बिल किम न स्मरसी, क्या तुम्हें, स्मरसी मतलब याद, क्या तुम्हें याद नहीं है, यन्मया त्वया सह समय क्रतो अस्ति, यत यदा अहम भायत प्रत्या आगमिष्यामि तदा त्वं माम आकरिष्यसि। तो क्या कहा, कि क्या तुम्हें याद नहीं है कि अपने बीच में एक बात हुई थी कि त्वया सह समय, तुम्हारे साथ के समय में, क्रतो अस्ति यत यदा हम बाहर, कि जब मैं बाहर आऊंगा तदा त्वं माम आकरिष्यसि, तब तुम मुझे बुलाओगे, यदि त्वं माम न आहषि तरहि अहम द्वितीयं बिल याष्यामि, यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगे, आह्वान नहीं करोगे, तो मैं दूसरे बिल में से आ जाऊंगा। यहाँ डराने के लिए कहा गया ना, कि हमारे बीच में तो एक बात हुई थी कि तुम मुझे बुलाओगे है ना आने के लिए, परंतु जब तुम मुझे नहीं बुलाओगे तो मैं दूसरे बिल से आ जाऊंगा। अत एत छुत्वा सिंह अचिंत्यत, नून मेषा गुहा स्वामी ने सदा समाहनम करोति, ऐसा सुनकर के शेर सोचने लगा कि निश्चय ही इस गुफा का जो स्वामी है वो सदा आह्वान करता है, परंतु मद भयात न किंचित वदति, परंतु मेरे डर से, मद मतलब मेरे, मेरे डर से कुछ नहीं बोल रहा है। तो जो शियार था, जो श्रगाल था, वो बाहर से बोल रहा है और वो अंदर ही अंदर ये सोच रहा है कि निश्चय इन दोनों में आपस में बात होती है और आज मैं आ गया हूं तो मेरे डर के मारे जो ये कुछ बोल नहीं रहा है। अथवा साध्वीत्वदम उच्यते, इसलिए वो कहता है उच्यते, साध्वीत्वदम उच्यते मतलब वहां पर उच्यते बोलता है कि भय संत्रस्त मनसा हस्त पादादि का क्रिया प्रवर्तन्ते न वाणी च विपुश्चा अधिको भवेत। तो भय से और मन से हाथ पैर जो, मतलब डर के मारे जो है हाथ पैर जो है वो क्रिया नहीं कर रही है, और वाणी में भी क्या हो रहा है,
विपुत अधिको भवेत, मतलब प्रवर्तते न वाणी च विपुत है, तो वाणी में भी जो है वो कंपन हो रहा है, तो भय के मारे मेरा मन मेरे हाथ पैर जो है वो क्रिया नहीं कर रहे हैं। और न च वेपुष वाणी च वेपुष चाधिको भवेत, और वाणी जो मेरी आवाज है वह भी भय के मारे जो है कंपन कर रही है। तो इस प्रकार से जब वो कंपन कर रही है तो उसके बाद में क्या हुआ, तद अहम अस्य आह्वानम करूमी, तब मैं यह आह्वान करता हूं कि एवं सह बिले प्रविश्य में भोजनम भविष्यति, कि इस बिल में प्रवेश करते ही मेरा भोजन जो है वो होगा। इततम विचारीय सिंह, ऐसा विचार करके शेर अचानक से शृगालस्य आह्वानम करोत्, शृगाल को आह्वान करता है। सिंहस्य उच्च गर्जनेन प्रतिध्वना साहा गुहा उचे शृगालम आयत, सिंह की उच्च गर्जना की प्रतिध्वना से वह गुफा में जोर से शृगाल को बुलाता है। अनेन अन्य अपि पशु भयभीता अभवन, जो दूसरे पशु थे वो भी डर गए। शगालो अपि तथा दूर पलायमान है, शगाल जो है वो दूर भाग गया और कहने लगा कि अनागत अनागतम यह कुरते स शोभते स शोचित यो न करो त्या अनागतम वने अत्र संसस्य समागता जरा बिलश्य वाणी न कदापि मे श्रोता। तो यहाँ पर जो बारी है वो बाजी उल्टी पड़ गई है ना। तो कहते हैं कि जो अनागतम यह कुरते सह शोभते सह सोचयति युनते करोत्या अनागतम वने अत्र संसस्य समागता जरा, तो यहाँ पर क्या कहा कि जो बिना सोचे समझे कार्य करते हैं वे कार्य क्या होते हैं, कभी भी शोभित नहीं होते हैं। मतलब हमें हमेशा सोच समझ करके कार्य करना चाहिए। सह सोचित ही उन्हें तय करते अनागतम, और जो बिना सोचे समझे कार्य करते हैं उन कार्यों का कोई भी वचर्स्व नहीं है, मतलब नहीं रहता है। वने अत्र संसस्य समागता जरा, वो कहता है कि इस वन में रहते हुए मुझे वृद्धा अवस्था आ गई है। बिलश्य वाणी न कदापि श्रोता, बिल में वाणी मतलब बिल में आवाज जो है वो मैंने कभी भी नहीं सुनी है। श्रगालो अपि ततः दूरम पलायमान है, श्रगाल जो है वो भी दूर भाग जाता है और वो पढ़ता है कि अनागतम यह कुरते स शोभते, कि सोच कर कोई कार्य किया हुआ होता है वो शोभायमान होता है। शह सोचिए ही यो न करो तो अनागतम, और जो सोचा हुआ कार्य नहीं है जो हमने प्लानिंग ही नहीं बनाई तो वो कार्य हमेशा खराब ही होता है। वने अत्र संसस्य, इस वन में रहते हुए मुझे बुढ़ापा आ गया है। बिलश्य वाणी न कदापि सुरश्रोता, मैंने बिल की वाणी जो है वो कभी भी नहीं सुनी है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कहा गया कि व्यक्ति को हमेशा सोच समझकर ही कार्य करना चाहिए और डरना नहीं चाहिए, और जिसमें अपनी भलाई हो वो कार्य पहले करना चाहिए। ऐसे हमें यहाँ पर हमें अपनी ताकत नहीं दिखानी है, हमें अगर पता लगता है कि यहाँ हमारी पार नहीं पड़ने वाली तो वहां हमें हमारा किनारा कर लेना चाहिए। तो आप लोगों को अच्छा कैसा लगा ये पार्ट, अच्छा लगा ना? तो अब हम आपस में भी इस चैप्टर को पढ़ करके संवाद के माध्यम से किसी भी जगह हम इसको कर सकते हैं ताकि हम लोगों को सीख मिले। तो हमारा ये जो पाठ है सेकंड, बिलश्य वाणी ना कभी नहीं कर, बिल की जो मैंने वाणी है वो कदापि न श्रुते, कभी भी सुनाई नहीं दी है, अच्छे से एक बार इसका हिंदी अर्थ कीजिए। और साथ में जो व्याकरण की बातें आई हैं जैसे कि उपसर्ग हो गए, अव्यय हो गए, प्रत्यय हो गए, उनका खास करके हमें ध्यान रखना है, क्योंकि जब तक हम व्याकरण भाग नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें पाठ भी समझ में नहीं आता है। तो हमें साथ साथ में व्याकरण का भी अभ्यास करना है। तो आप लोगों को सबको चैप्टर समझ में आ गया है, अब हम अगले अध्याय में इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चलिए सब बच्चे अपना ध्यान रखेंगे, घर में रहेंगे, ध्यान से रहेंगे, सैनिटाइजर का जो उपयोग है वो बार बार करते रहेंगे। ओके, टेक केयर।